जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल जे जी डी अल्ट्रा में स्वागत है। आज हम स्ट्रेस के साथ की ये पगड़ी बनाएंगे। ये ड्रेस हमने अपने पिछले वीडियो में बनाना सीखा था, तो आज इसके साथ की हम ये बड़ी प्यारी सी पगड़ी बनाएंगे। ये हमारे चार और पाँच नंबर के लड्डू गोपाल के लिए हमने ये पगड़ी बनाई है। इसे इस तरह से स्टोन पट्टी से, पर्ल से और पैचेस से हमने डेकोरेट किया है। तो चलो हम ये बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी ऊन के अंदर हम 52 चैन बनाते हैं, नोट लगाएंगे, फिर इसके अंदर हम 52 चैन बनाते हैं, 3 4 इस तरह मैंने इसके अंदर ही 52 चैन बना लिए। 5 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए हम 50 से 55 चैन बनाते हैं, मैंने 52 चैन बनाई है। ये हमारे हाथ पे डिपेंड करता है, टाइट हाथ हो तो हम 55 ले लेते हैं, लूज हाथ हो हम 50 या 52 ले लेते हैं। यहाँ पर हम 3 चैन बनाते हैं, 2 चैन स्किप करके तीसरी चैन के अंदर एक डबल क्रोशे बनाते हैं। इस तरह में सभी चैन के अंदर एक एक डबल क्रोशे बनाना है। इस तरह बनाते अपने इस राउंड को हम कंप्लीट करते हैं। इस तरह बनाते हुए मैंने सभी चैन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए अपने इस रो को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे हम अपनी उनको कट कर देंगे। इस तरह मैंने अपनी सभी चैन के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसे कंप्लीट कर लिया है। अब अपनी ग्रीन कलर की ऊन लेते हैं और जो हमारा इधर वाली चैन है इसके अंदर ग्रीन ऊन को हम ज्वाइन कर लेते हैं। शुरू में हम 3 चैन बनाते हैं। पहली चैन में पहला डबल क्रोशिया हो गया, और सभी चेन के अंदर हमें एक एक डबल क्रोशिया बना के इसे कंप्लीट करना है। इस तरह मैंने अपनी ये रो कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद हम इसकी कलंगी बनाएंगे। कलंगी बनाने के लिए सबसे पहले अपनी मैजिक रिंग लेते हैं। मैजिक रिंग हम इस तरह से बनाते हैं, जो हमारा खुला हुआ मुंह होता है उसको इस तरह से अपनी ऊन पे इस तरह से राउंड में घुमा लेते हैं। फिर इसके अंदर हम एक लूप लेंगे, एक चैन बनाएंगे। अब इसके अंदर हम 8 सिंगल क्रोशिया बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अपनी ऊन को इस तरह से हम खींच देंगे। तो अपनी ऊन को इस तरह काटेंगे नहीं, क्योंकि बाद में हमारा ये वर्क दोबारा होगा, लेकिन इसके यहाँ पे हम ग्रीन का वर्क और करेंगे। तो मैंने जहाँ से शुरू किया था वहीं से अपनी ग्रीन कलर की ऊन को मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। एक चैन बना लेंगे यहाँ पे। तो पहली चैन में पहला सिंगल क्रोशिया हो गया। अब सभी चैन के अंदर में 8 चैन के अंदर 8 सिंगल क्रोशिया बना के इसे कंप्लीट करना है। सात, आठवां सिंगल क्रोशिया हम इस लूप में बनाएंगे। तो पहले इस लूप को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। आठवां सिंगल क्रोशिया इस लूप में बना देते हैं। यहाँ पे अपनी हम ग्रीन कलर की उनको हम कट कर देंगे। अब वापस से अपना येलो कलर का ऊन लेते हैं हम, जहाँ से हमने नोट लगाई थी वहीं पे इसे हम ज्वाइन कर लेंगे और एक चैन बना लेंगे। फिर अपने वर्क को हम टर्न कर लेंगे। सभी चैन के अंदर हमें 2-2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है, तो हमारे 8 के 16 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। इस तरह हमारे
आठ के 16 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पे वापस हम एक चैन बनाएंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे। पहली चैन हम अपने वर्क को टर्न करेंगे, यहाँ पे पहली चैन में हम पहला सिंगल क्रोशिया बनाते हैं, फिर अगली चैन में हमें एक ही जगह दो बार सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर अगली दो चैन के अंदर हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर तीसरी चैन में हमें दो बार सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर दो चैन के अंदर हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है, तीसरी चैन में हमें दो बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर दो चैन के अंदर हमें एक बार बनाना है, फिर तीसरी चैन में हमें दो बार बनाना है। फिर दो चैन के अंदर एक बार बनाएंगे, तीसरी चैन में हमें दो बार बनाना है। फिर आगे हमारी दो चैन है, इन दोनों में हम एक एक बार बना के इसे कंप्लीट करते हैं। इस तरह से हमारी ये कलंगी कंप्लीट होती है। इस तरह से हमारी ये कलंगी कंप्लीट होती है। अब यहाँ पे हम नॉट लगा के अपनी उनको कट कर देते हैं। सभी धागों को हम फिनिशिंग से पीछे की तरफ एडजस्ट कर देंगे क्योंकि ये हमारा सीधी तरफ है। अब वापस से अपना ग्रीन कलर का ऊन लेंगे, फिर मैजिक रिंग बनाएंगे और इसके अंदर एक लूप लेते हैं, एक चैन बनाया, पहला सिंगल क्रोशिया, उसमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। चार, पाँच, छः, तो इसमें हमारे 6 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब अपने उनको यहाँ खींच के हम इसे, फिर यहाँ पे एक चैन बनाएंगे, अपने वर्क को टर्न करेंगे और सभी 6 चैन के अंदर हमें एक ही जगह दो दो सिंगल क्रोशिया बनाने। दो दो बार बनाना है तो हमारी 6 चैन के ऊपर हमारे 12 सिंगल क्रोशिया हो जाते हैं। हमारे दो राउंड कंप्लीट हो गए। फिर एक चैन लेते हैं, वर्क को टर्न करेंगे, अब 12 के ऊपर हमें 12 सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसमें हम कोई भी सिंगल क्रोशिया इंक्रीज नहीं करेंगे। इस तरह मैंने 12 के ऊपर 12 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब अपनी ग्रीन कलर की ऊन को हम इधर ही रहने देंगे और इधर की तरफ हम इसके अंदर अपनी येलो कलर की ऊन ज्वाइन करेंगे। तो पहली वाली चैन से येलो कलर की ऊन को यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पे एक चैन बना देंगे, फिर अगली वाली चैन के अंदर हमें एक ही जगह पे दो सिंगल क्रोशिया बनाने, एक दो, फिर आगे की तीन चैन के अंदर में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, एक दो तीन, फिर चौथी चैन के अंदर हमें एक ही जगह पे दो सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर आगे की तीन चैन के अंदर हमें एक एक बारी बनाना है, एक बनाया दो तीन, फिर चौथी चैन के अंदर हमें दो बार बनाना है। बची हुई हमारी चैन के अंदर हम एक बार बनाया हमने, फिर हमारी ये इस वाली चैन के अंदर दो बार बनाएंगे लास्ट वाली में। लास्ट में हमारी लूप है ग्रीन वाला, इसको इस तरह से खींच लेंगे और इसके अंदर यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना दें। इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट होता है।
अब अपने येलो के वर्क को यहीं फिनिश कर देंगे, अपना ग्रीन का वर्क लेंगे। इसी के अंदर हमें एक चैन ले लेते हैं, फिर पहली चैन में हम पहला डबल क्रोशिया बना सॉरी पहली चैन में हम पहला सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहली चैन में पहला सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर दूसरी चैन में हमें दो बार सिंगल क्रोशिया बनाना है, एक बार दो बार। फिर आगे हमें एक में एक बार बनाया, फिर दूसरी चैन में मैंने दो बार बनाया, सो दूसरी चैन में भी एक बार बनाएंगे। येलो उनको यहाँ से हम कट कर देते हैं। शुरू में हमने एक बनाया, फिर उसके बाद दूसरी चैन में दो बनाए, फिर आगे की दो चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर उसे अगली चैन में हमें दो बनाने, एक दो। इसको इधर नोट को इधर ले लेती हूँ, मेरी ऊन छोटी हो गई थी, नोट को मैं पीछे कर लेती हूँ। फिर अगली दो में एक बनाया, फिर उसे अगली में एक बनाया, तीसरी चैन में मैं दो बार बनाऊंगी, एक बार दो बार। फिर अगली दो के अंदर में एक बार बनाया, दो बार बनाया, फिर तीसरी चैन में मैं दो बार बनाना है, एक दो। फिर हमें दो बार बनाना है, एक दो। लास्ट वाली चैन में मैं एक बार बना के अपने इस वर्क को कंप्लीट करती हूँ। अब एक चैन लेंगे, अपने वर्क को टर्न कर लेंगे, फिर पहली चैन में हम पहला डबल क्रोशिया बनाया सॉरी पहला सिंगल क्रोशिया बनाया, आगे की चैन एक दो, दो बार बनाया, फिर अगली में एक बार, उससे अगली में दो बार। अब हमें हर दूसरी चैन में दो बार बनाना, इस तरह हमारे सभी पीस तैयार हो गए हैं, दोनों कलंगी तैयार हो गई हैं और हमारा ये बेस तैयार हो गया। अब इन कलंगियों को हम डेकोरेट करेंगे। तो इस तरह से मेरे पास ये येलो कलर की मोती है और इस तरह की ये ट्रांसपेरेंट तारी है। अगर आपके पास मोती है तो आप मोती लगा लीजिए, तारी है तो तारी लगा लीजिए, नहीं तो स्टोन भी लगा सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर नोट लगा लूँगी, फिर यहाँ पे नीचे की साइड से पहले एक तारी लेंगे हम, फिर इसके ऊपर एक येलो कलर का, इसे चीड़ भी बोलते हैं, फिर इस तारी के अंदर से हम निकाल देंगे। इस तरह से हमारी एक तारी लग गई, फिर अगली जगह लगा देंगे थोड़ा सा गैप छोड़ के हम। एक तारी लेनी है, एक हमें येलो कलर का मोती लेना है, इसे हम चीड़ भी बोलते हैं। इस तरह से तो मैं कंप्लीट करती हूँ। इस तरह बनाते हैं हमारे ये तीनों पीस तैयार हो गए हैं। इस वाली कलंगी में मैंने यहाँ पे येलो कलर के चीड़ लगाए हैं और इसके अंदर मैंने ग्रीन कलर के लगाए हैं और नीचे एक ही ट्रांसपेरेंट तारी लगाई है। इस तरह से मैंने दोनों कलंकी तैयार कर लिए, सभी पीस की हम सिलाई कर लेंगे। मैंने ये आगे के लिए येलो कलर की बनाई है तो इसमें हम नीचे का बेस येलो कलर का रखेंगे। इस तरह से सबसे पहले भी ये वाली पट्टी लेते हैं हमारी, इस पट्टी का सीधा वाला हिस्सा आगे अंदर की तरफ लेते हैं और फिर इसे इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे हाफ। फोल्ड करने के बाद पहले हम ये वाला बीच वाला हिस्सा सिल देते हैं इसका, यहाँ से इसमें मैं सुई लगा लेती हूँ। नोट लगाने के बाद इन दोनों हिस्सों को मैं सिल देती हूँ पहले। इस
तरह से हमारा ये वाला हिस्सा सिल गया। अब इसे हिस्से को इस तरह से हम पीछे ले जाते हैं, इसको ऊपर रखें क्योंकि हमारे उल्टी साइड है। अगर ऐसे समझ नहीं आया आपको, इसको ऐसे हाफ फोल्ड करके इसके यहाँ सेंटर में इसे इस तरह से उल्टा रख लेते हैं। अब इसको यहाँ से हम इस तरह से सिल देंगे, इसको दोनों तरफ से सिल लेंगे पहले इसको। इधर से हिस्सा सिल गया। अब ये वाला हिस्सा जो हमारा है, इसको इस तरह से करके यहाँ पे सिलाई कर देंगे इसके। यहाँ पे नॉट लगा देते हैं। दूसरी तरफ का हिस्सा भी इसी तरह से सिल लेंगे हम। इस वाले हिस्से को इधर सिल लेंगे, यहां से सिलना शुरू करते हैं। इस तरह से हमारी ये पूरी सिलाई हो गई है। अब इसको हम नोट लगाते हैं, यहाँ पे इस बेस को सीधा कर लेते हैं। इस तरह मैंने इसकी सिलाई कर ली है, इसे हम सीधा कर लेंगे। इस तरह हमारा ये बेस तैयार हो गया है। अब जो हमारी छोटी वाली कलंगी है, इसको यहाँ पे हम इसकी सिलाई कर देंगे, और बड़ी वाली कलंगी की है इधर पीछे की तरफ सिलाई कर देंगे। सबसे पहले अपनी ये छोटी वाली कलंगी लेते हैं, इसे यहाँ पे आगे की तरफ हम इसमें सिलाई कर देंगे इस तरह से। इस तरह से हमने इस कलंगी की सिलाई कर दी। अब यहाँ पे पीछे नोट लगा देंगे। फिर इसी तरह यहाँ पे हम पीछे अपनी ग्रीन कलर वाली कलंगी की सिलाई करके अपनी पगड़ी को हम कंप्लीट कर देंगे। जिस तरह से हमने येलो की उसी तरह से हम यहाँ पे ग्रीन की कर देंगे। इससे मैंने अपनी दूसरी कलंगी को भी सिल लिया है। अब इसे हम डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट करने के लिए मैंने इस तरह के वाइट कलर के पर्ल लिए हैं, ये इसे साइज में बड़ा लिया है। इस तरह के मैंने दो पैचेस लिए और ये स्टोन पट्टी लिए। सबसे पहले यहाँ पे हम एक लटकन लगाते हैं, तो लटकन लगाने के लिए यहाँ पे नीचे से हम इसके अंदर यहाँ पे एक नॉट लगा लेंगे। फिर यहाँ पे लटकन लगाएंगे, ये वाले मोती में डाल लेती हूँ। फिर इसके अंदर मैंने इस तरह से 15 मोती डाल लिए, और इसके अंदर एक ही राउंड पल और लेती हूँ मैं, ये लगा देंगे। फिर वापस से अपना एक मोती ये डाल लेते हैं, फिर नीचे वाले को तो छोड़ देंगे, और सभी के अंदर वापस से अपनी सुई को निकाल के ऊपर तक आ जाता है। तो हमारी ये एक लटकन तैयार हो गई। अब इसी तरह इसके पास में हम एक लटकन और तैयार करेंगे, जो इससे हम थोड़ी छोटी तैयार करेंगे। पहले इसके अंदर हम नोट लगा देते हैं पीछे ले जाके से, ऊपर से थोड़ा सा लूज रखेंगे जिससे टाइट टाइट ना रहे। इसके पास में यहाँ थोड़ा सा, इसके बिल्कुल पास में दूसरी लटका नोट लगा देंगे। इसके अंदर हमने 15 डाले थे, उसके अंदर मैं 12 मोती डालूंगी। इससे मैंने ये दोनों लटकन बना लिए। अब सुई धागे से इन दोनों पैचेस को मैं यहाँ पर लगा देती हूँ, और फिर इधर भी दो छोटी लटकन और एक ऐसे राउंड वाली लटकन लगाऊंगी। तो मैं ये वाला पैच लगा लेती हूँ सुई धागे से, राउंड वाली लटकन ये लगाऊंगी, फिर यहाँ पे दो
इसी तरह की लटकन बनाएंगे। तो राउंड वाली लटकन लगाने के लिए पहले इस पैच को यहाँ से सिल लेंगे, फिर इसके अंदर अपने पर्ल डाल के यहाँ पे जितना हमको राउंड बड़ा लेना है उस हिसाब से यहाँ पे जाके अटैच कर दें। फिर इधर दो लटकन इस तरह से हम बना देंगे। जो स्टोन पट्टी है इसे चाहे आप सुई धागे से लगा दें या फिर आप हॉट ग्लू गन से भी इसे लगा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को डेकोरेट करके फिर आपको ये दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने अपनी पगड़ी को डेकोरेट कर लिया है, दोनों पैचेस लगा दिए, ये वाली स्टोन पट्टी लगा दी है और यहाँ पे इस तरह से पर लगा के से राउंड में यहाँ पे जाके से नोट लगा दिए। फिर इधर दो लटकन इसकी तरह हमने लगा दिए। इस तरह से हमारी ये कंप्लीट हो गई पगड़ी। अगर आपको मेरी डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।